वेलकम टू पीडी क्लास। आप पीडी क्लास में बहुत कुछ सीख रहे हैं, हम थ्रू बुक्स से सीख रहे हैं, फिर अपने टेलीफोन क्लासेस से सीख रहे हैं और हमारे डिफरेंट डिफरेंट डेमो टेस्ट से भी सीख रहे हैं। हमने बहुत सारे इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा है, तो आज फिर एक बहुत नया इंटरेस्टिंग टॉपिक आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मेरा टॉपिक स्पेशली बेस्ड है किचन आइटम्स पे, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट, किचन में बहुत सारे सामान होते हैं जिन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं, हम हाउस वाइफ स्पेशली, और जो गर्ल्स हैं वो किचन में अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रही हैं, लेकिन बहुत वो जानना चाहते हैं कि इन वर्ड्स इनको हम क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड इज पतीला। पतीले को हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं वेसल। वेसल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर किचन। हमारी किचन में 2 से 3 से तक लेकर वेसल्स, बहुत सारे वेसल होते हैं, उनका डिफरेंट यूज है। लाइक आई यूज वेसल फॉर टी मेकिंग, फॉर डिफरेंट थिंग्स, फॉर बॉइलिंग, एंड सेकेंड इज कद्दूकस। कद्दूकस को व्यूवर्स क्या बोलते हैं? कद्दूकस इज अ ग्रेटर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर किचन, ग्रेटर। वी ग्रेट विद द हेल्प ऑफ ग्रेटर डिफरेंट थिंग्स लाइक कैरेट्स फॉर मेकिंग स्पेशल गाजर पाक, एंड वी गैरेट। फ्रेंड्स, हाँ, ग्रेटर का यूज कोकोनट को ग्रेट करने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज घड़ा। घड़े को इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं पिचर, PITCHER। रामदेव बाबा हमेशा कहते हैं कि हमें हमेशा पिचर वाटर ही यूज करना चाहिए, वही अपनी हेल्थ के लिए सही है, हमें कोल्ड वाटर बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है मिक्सी। ये किचन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मिक्सी, को हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं ब्लेंडर। ब्लेंडर हम डिफरेंट मैंगो शेक्स, बनाना शेक्स बनाने के लिए हम ब्लेंडर यूज करते हैं। अगला है चकला। खाना बनाते वक्त चकला बेलन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। जब हम चपातियाँ बनाते हैं तो चकला है रोलिंग बोर्ड। आई मेक चपातीज विद द हेल्प ऑफ रोलिंग बोर्ड। एंड नेक्स्ट इज बेलन। बेलन आल्सो इट्स आल्सो रोलिंग, वी प्रोनाउंस इट रोलिंग पिन। रोलिंग पिन के 2 यूजेस हैं फ्रेंड्स हाउसवाइफ्स के लिए। एक तो वो इसका यूज करते हैं चपातियाँ बनाने के लिए, और सेकंड यूज वो अपने करते हैं अपने हस्बैंड्स को सेट करने के लिए। 2 यूजेस हो गए हैं रोलिंग पिन के। नेक्स्ट है चूल्हा। चूल्हे को हम इंग्लिश में स्टोव बोलते हैं। स्टोव 3 टाइप्स के हैं स्टूडेंट्स। पहले जो स्टोव यूज होते थे वो यूज होते थे लकड़ी से स्टोव चलाया जाता था, उसके बाद तेल से स्टोव यूज किया जाता था, और आजकल जो है वो गैस स्टोव्स आ गए हैं। और नेक्स्ट है तवा। तवा को हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं ग्रीटर। ग्रीटर ग्रीट करना होता है खाने को, सेकना इसे बोलते हैं, और स्पेशली चपाती मेकिंग के लिए ग्रीडर का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है पिलर। हम पिलर को भी इंग्लिश में पिलर ही प्रोनाउंस करते हैं। कुछ लोग इसे छिलर भी बोलते हैं, यानी कि जैसे कुकुम्बर को पील किया जाता है, पोटैटो टोमेटो वगैरह को पील करने के लिए पिलर का यूज किया जाता है। और व्यूवर्स, आई होप कि मैं जो कुछ आपको पढ़ा रही हूँ आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अब तक हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और मैं इन 1 लाख सब्सक्राइबर को थैंक्स देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर और बढ़ते ही जाए, इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारी बुक्स, जो आप जिन्होंने अभी तक बुक्स परचेज नहीं की है, स्पेशली फॉर स्पोकन इंग्लिश, फॉर इंटरव्यूज़ एंड फॉर MR इंटरव्यूज़, प्लीज़ इन्हें परचेज कीजिए, इन्हें ऑर्डर कीजिए। इसके अलावा आप हमारी टेलीफोन क्लासेस के लिए भी इन्वाइटेड हैं। इसके अलावा आप हमारे यहाँ खुद आकर हमारी PT क्लास के जो 7 डेज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, प्लीज़। अगला नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कढ़ाई। कढ़ाई का यूज किचन में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। कढ़ाई के लिए को इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं वॉक, WOK। वॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंट पूड़ियाँ को तलने के लिए और हलवा मेकिंग के लिए, जो वॉक का यूज़ किया जाता है। और पलटा होता है इसे स्पैटुला। ये जो होता है जैसे स्पून आगे से फोल्ड होता है उसी, ये भी एक तरह का बड़ा स्पून है जो आगे से फ्लैट होता है, और हलवा और जो परांठे वगैरह को फोल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला है चाय की केटली। चाय की केटली को हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं टी पॉट। एंड नेक्स्ट है चाय की छलनी। चाय की छलनी इज अ टी स्ट्रेनर। चाय को कप में या टी पॉट में छानने के लिए हम टी स्ट्रेनर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वाश बेसिन। वाश बेसिन का जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है वाश बेसिन। हम कई बार स्टूडेंट इसको वी से प्रोनाउंस करते हैं जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ये जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो होगा वाश बेसिन। एंड नेक्स्ट इज मूसल एंड खरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश में, इसका वर्ड मुझे भी बहुत मुश्किल से मिल पाया है।
इसके लिए है पेस्टल एंड मॉर्टर। पेस्टल हो गया मूसल और खरल, जैसे सेफ्रॉन को पीसने के लिए मैं पेस्टल और मॉर्टर का यूज करती हूँ। ये भी किचन का बहुत पुराना पार्ट है। और झाड़ू, झाड़ू देना, झाड़ू को हम ब्रूम बोलते हैं, और झाड़ू देना घर में ब्रूमिंग हो गया। इसी तरह जो सफाई खिड़कियों दरवाजों की जाती है वो कहलाती है डस्टिंग। और ये हमारा, ये एक तरह की बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है हमारे लिए। नेक्स्ट है पोचा। पोचे को मॉप इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं, मॉप और पोचा लगाना हो गया मॉपिंग। और यहाँ आजकल मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के मॉपिंग, स्टैंडिंग मॉपिंग भी अवेलेबल है, जो हमारे लिए यूज करने में बहुत ईजी है। उसके बाद आ गया चिमटा। चपाती सेकने के लिए जो हम चिमटा यूज करते हैं उसे हम बोलेंगे टोंग, TONG टोंग। एंड नेक्स्ट है आटा गूंथना, नीड द डो। आटे गूंथने को नीड द डो बोलते हैं, और ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग काम है किचन में। मुझे आटा गूंथना बहुत पसंद है, तो नीड द डो आई लाइक वेरी मच। फ्रेंड्स, आई होप कि जो मैं न्यू वर्ड्स आपके लिए लेके आई हूँ वो आपको पसंद आए होंगे, कुछ आपने न्यू सीखा होगा। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग और न्यू वर्ड्स किचन से रिलेटेड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम भी आपसे कुछ सीख पाएँ। और सीखने के लिए आपको तो हमारी प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ अबंडेंस ऑफ वीडियोज़ पड़े हैं जो 500 से भी अबव हो चुके हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हमसे क्या सीखना चाहते हैं, तो उसमें जाइए, आप सीखिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।